मुझे जानकारी शाम के समय मिली कि बहुत सारी माताएं भक्तजन बाहर कुर्सियों पर सोफे पर बैठकर शोभा बढ़ा रहे थे, कई लोग मंदिर के पास में बैठे हुए थे, कई लोग यज्ञ मंडप के पास में थे जिस समय हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। कल का आयोजन इस तरह से था, जितना बच्चों की संख्या थी उतनी संख्या थोड़ी बहुत उससे शायद कम हो सकती है आप सब लोगों की भी थी, और सब लोगों ने बड़े भाव के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि भगवती के दरबार में आप लोगों ने एक साथ बैठ कर के पाठ किया। निश्चित मानिए कि आप लोग यहाँ पे जो पाठ किए हैं ये पाठ का फल आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहते हैं कि तीर्थ स्थल पर किया हुआ पाठ, दिया हुआ दान, किया हुआ भजन, स्मरण, चिंतन, सुमिरन घर से 100 गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। किसी देवालय में जाके बैठें और प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करें तो 1000 गुना बढ़ जाता है। तो जो फल घर में मिलने वाला था उससे 1000 गुना फल मिलेगा बढ़ करके। आपने 11 पाठ किया तो 100 गुना भी मिलता है, तो समझ लो 100 पाठ का फल मिलेगा ऐसी जगह पर बैठ करके। इसीलिए शक्तिपीठ पर पाठ कराया गया। बहुत सारे स्कूलों ने बड़ी श्रद्धा के साथ में अपने प्रबंधकों के साथ, प्रधानाध्यापकों के साथ, टीचर्स स्टूडेंट को भेज करके हनुमान चालीसा का पाठ कराया। लेकिन कुछ एक स्कूलों की बात सुनने में आई, उनकी तरफ से ऐसा सुनाई पड़ा, वो कहते हैं हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हमारे यहाँ के बच्चे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। ये जो है दुख की बात है, ये सबके लिए विचारणीय बात है। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े, वो साइंस मीडियम में पढ़े, वो अर्थशास्त्री स्कूल में पढ़े, वो तर्कशास्त्री स्कूल में पढ़े, वो व्याकरणी स्कूल में पढ़े, वो साहित्यिक स्कूल में पढ़े, वो जिस भी स्कूल में पढ़े, उसे अपने धर्म को मानने का, हनुमान चालीसा पढ़ने का, पाठ करने का, पाठ करवाने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए। ये घर वालों को भी, अभिभावकों को भी विचार करना चाहिए, ये सबको विचार करना चाहिए, संभ्रांत नागरिकों को भी विचार करना चाहिए, एसपी सिंह बघेल को भी विचार करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम वाला रोटी नहीं खाता, इंग्लिश मीडियम वाला चावल नहीं खाता, वो पानी नहीं पीता, वो हाथ से नहीं खाता, वो नाक से सांस नहीं लेता, आंख से नहीं देखता, वो कान से नहीं सुनता। इंग्लिश मीडियम वाला सर के बल चलता है, बताइए। सब हिंदी मीडियम वाले हाथ से खाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला पैर से खाता है, ये क्या मतलब हुआ? भारत देश है, हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के हनुमान चालीसा पढ़ने में घर वालों को आपत्ति नहीं, धर्म स्थानों को आपत्ति नहीं। ये 2-4 जने अपनी अपनी डिमडिमी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। ये अभिभावकों को चाहिए कि स्कूलों में हमारे धर्म की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। कल जो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, क्या बच्चों में उससे संस्कार नहीं गया? उससे संस्कार नहीं जाएगा? आप लोग बताइए, संस्कार नहीं जाएगा? पाठ करने की आदत नहीं पड़ेगी? जब पंडित जी महाराज बता रहे थे, हमारे आचार्य महोदय, कि जब हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, हनुमान जी महाराज आपकी चोटी पकड़ करके दुख के समय में ऊपर खींच लेंगे, दुख नीचे निकल जाएगा, और इसके बाद हनुमान जी महाराज आपको फिर नीचे बैठा देंगे, दुख से बचा लेंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे थे। हनुमान जी महाराज के गुरु तो सूर्य देव हैं,
साक्षात सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा ली, सूर्य भगवान उनके गुरु बने, सूर्य भगवान ने पढ़ाया, विद्या ली। उन्होंने तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं रखा। आज भी हनुमान जी के बुद्धि के सामने, विवेक के सामने सबकी बुद्धि बौनी है। बुद्धि विवेक विज्ञान विशारद, बुद्धि के विवेक के विज्ञान के विशारद हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज। उनके हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मना करोगे, कोई कोई गुरु ऐसी बात करे। टीचर का मतलब क्या होता है? एक तो टीचर होता है, एक तो एक टीचर होता है। टीचर होता है, टीचरे होता है ना ताना मारना, और टीचर होता है जो बच्चों को ज्ञान देता है। बच्चों को ज्ञान देने वाले टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। अध्यापक को गुरु कहा जाता है। और हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो आयक बल चार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देवियों सज्जनों, इस चार लाइन में क्या छिपा हुआ है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरुदेव के चरणार बिंदु का ध्यान करके, अरे जिस गुरु से तुम्हें ज्ञान मिला उन्हीं के चरणों का ध्यान कर लो, मत और किसी का करो। अपने मन में उन्हीं गुरु को जो है ना ध्यान करते हुए चरणों का उनको वंदन कर लो। बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, रघुनाथ जी के यश का, बरनहु रघुबर विमल जसु, रघुनाथ जी के यश का वर्णन कर रहे हैं, रघुनाथ जी के कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम रघुनाथ जी की कथा का वर्णन कर रहे हैं। उनकी कथा का वर्णन करने का क्या फल है? बोले जो दायक फलचार, जो चार प्रकार के फल देता है। जब हम गुरु महाराज के चरणार बिंदु का ध्यान करके रघुनाथ जी का गायन करते हैं तो चार प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, मुझे कम बुद्धि वाला, बुद्धि से हीन, मूर्ख प्राणी समझ करके हनुमान जी महाराज में आपको याद कर रहा हूं, आपको स्मरण कर रहा हूं। आप मुझे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या ये दो मुझे, और मेरे अंदर का सारा कष्ट सारा क्लेश हरण कर लो, मेरे दुखों का हरण करो। हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करता है छात्र। हनुमान जी में, हनुमान चालीसा पढ़ने में इंग्लिश वालों को क्या बुराई है? अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा हर समय जेब में हनुमान चालीसा रखता है। हनुमान चालीसा का पाठ कराया बराक ओबामा ने। अमेरिका के चुनाव में हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा की खूब लहर दिखाई दी। अंग्रेजों ने खूब हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हिंदुस्तान के मीडियम वाले कह रहे हैं
हमारे यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत बात है कि नहीं है? गलत बात है ना। और सही बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहिए, पढ़ने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को चार चीजें मिलेंगी, बल, बुद्धि, विद्या और उनके अंदर जो विकार है। विकार देखिए, हमारे यहाँ का संस्कार है मातृवत परदारेषु, माताओं को पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को पूजा जाता है, उनको वंदन किया जाता है। आज गंदी फिल्मों को देख देख करके बच्चों के अंदर विकृत मानसिकता बढ़ती जा रही है। नहीं तो हमारे धर्म में तो बच्चियों को वंदन करने का, उनको प्रणाम करने की व्यवस्था बनाई गई। किसी धर्म में कन्या पूजन नहीं होता, सनातन धर्म को छोड़ करके और किसी धर्म में कन्या पूजन नहीं कराया जाता। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें कन्या पूजन होता है, देवी पूजन होता है, माता पूजन होता है, बहन का पूजन होता है, सम्मान होता है। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है और किसी धर्म में नहीं। कई धर्म में तो सिर्फ महिलाओं को मशीन बनाया गया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बात सब जानते हैं, उनको सिर्फ सामग्री की तरह, मशीन की तरह देखा जाता है। ऐसे कई धर्म हैं, लेकिन हमारे धर्म में तो मातृवत परदारेषु, माताओं को पूजनीय बनाया गया। बूढ़ी हो गई तो दादी अम्मा की तरह जगह, माता की जगह पूजी जाती है, बड़ी हो गई तो बहन की तरह पूजी जाती है, और माँ बन गई तो बच्चे से माँ बन के पूजी जाती है, छोटी है तो कन्या बन के पूजी जाती है, कुमारिका बन के पूजी जाती है। सनातन धर्म में माताओं का, देवियों का हर समय सम्मान रहा, हर समय आदर रहा। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा में लिखा है, मैं हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूं, हरहुं कलेश और विकार, मन में जो विकार आ रहा हो उस विकार का हरण करो प्रभु। मेरे अंदर में विकार को हर के, और जो मुझे कोई डरवा रहा है ना, क्लेश दे रहा है, प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है, वो क्लेश भी हरो। इतनी बुद्धि दो, इतनी शक्ति दो कि मैं अपने आप में सक्षम हो करके अपनी सुरक्षा कर सकूं, और मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो। हनुमान चालीसा का पाठ इस संस्कार के लिए कराया गया, बच्चों में संस्कार आए, अच्छे बुरे का ज्ञान आए, हनुमान चालीसा क्या है, गुरु जी क्या है, माता क्या है, क्लेश क्या है, विकार क्या है, इस कारण से हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। हनुमान चालीसा कराने का उद्देश्य संस्कार था, संस्कार है, और आगे भी जब भी कराया जाएगा तो संस्कार ही उसका उद्देश्य होगा। बच्चों में पढ़ के संस्कार आए, बुद्धि आए, विवेक आए, बलवान बने, अभिकारी बने, विकारों से दूर रह करके संस्कारी बने, संस्कारी बने। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो हरहुं कल बल बुद्धि विद्या देहुमहि हरहुं कलेश विकार। देवियों, सज्जनों, माताओं, प्रिय भक्त जनों, इस प्रसंग को, जो विवेक संबंधी प्रसंग चल रहा है, कि वो कौन सा विवेक है, विवेक प्राप्त करने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ, विवेक प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण का कथा, विवेक प्राप्त करने के लिए योग की व्यवस्था, विवेक प्राप्त करने के लिए यज्ञ की व्यवस्था, ये सब विवेक के ही उपांग है। विवेक जिसे प्राप्त हो तो विवेक आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलने वाला, विवेक मिलेगा शिव महापुराण की कथा में, हनुमान चालीसा में, राम कथा में, योग में, अध्यात्म में, यज्ञ भगवान में, इनमें आपको विवेक की प्राप्ति होगी।
हो ही विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ। वो कौन सा विवेक है जिसके पाने के बाद राम जी के चरणों से प्रेम हो जाता है, यही प्रसंग चल रहा था ना। तो आइए उस प्रसंग को पढ़ते हैं जिससे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है जब विवेक आ जाए। ये भी रामायण में लिखा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु विवेक कहाँ मिलेगा? वो वाला विवेक जिस विवेक के पाने से भगवान के चरणों से प्रेम हो जाता है वो कहाँ मिलेगा? वो विवेक सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम में शिव महापुराण की कथा में, इस कथा के प्रसंग में मिलेगा, जिस विवेक से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए, वो विवेक यहीं मिलेगा। वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, वो महाविद्यालय सत्संग रूपी यही तो है ना। अबे अभी अभी ललितपुर में तो यही चल रहा है ललितपुर में तो यही चल रहा है आचार्य चंद्रेश्वर गिरी के द्वारा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना सत्संग के रघुनाथ जी के चरणार बिंदों में प्रीति भी नहीं हो सकती, समर्पण की भावना भी नहीं हो सकती। और समर्पण की भावना जब ही होगी जब राम जी की कृपा होगी। राम जी की कृपा कब होगी? जो राम जी का नाम गाएगा वही राम जी की कृपा को पाएगा। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ, 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 संतों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, संतों का दुलारा नाम हरि हरि ओ, संतों का दुलारा नाम हरि हरि ओ, संतों का दुलारा नाम हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। हरि हरि ओ, मीरा का
भक्तों का प्यारा नाम हरी हरी ओम, भक्तों का प्यारा नाम हरी हरी ओम, हरी हरी ओ हरी हरी ओ हरी हरी ओ हरी हरी ओ प्यारा नाम हरि हरि ओ, हम सबका प्यारा नाम हरि हरि ओ, हरि हरि ओ 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 पावन पावन नाम हरि हरि ओ, 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 लक्ष्मी का प्यारा नाम हरि हरि ओ, लक्ष्मी का प्यारा नाम हरि हरि ओ, हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ, मधुर नाम हरि हरि ओ, भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, संतों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, संतों का दुलारा नाम हरि हरि ओ, हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ सांचे दरबार की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बल पा जाने के बाद आज प्रसंग इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बल पा जाने के बाद, ताकत पा जाने के बाद, धन पा जाने के बाद, ऐश्वर्य पा जाने के बाद, ज़्यादा सुंदरता पा जाने के बाद,
ज़्यादा मान पा जाने के बाद, बड़ाई पा जाने के बाद, जिसका व्यक्ति पात्र नहीं होता उसे वो प्राप्त हो जाए तो वो अपने आप से आउट ऑफ रेंज हो जाता है, कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाता है, वो मर्यादाओं की सीमा से वो परे हो जाता है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता ते आज बड़ा सुंदर प्रसंग देवर्षि नारद का चल रहा है। देवर्षि नारद स्वेच्छापूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं विदाउट परमिशन, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो कैलाश में चले जाएं, बैकुंठ में चले जाएं, कहीं पर भी उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। देवर्षि नारद सब जगह पहुंच जाते, स्वभाव भी बड़ा अच्छा है, लोगों के दुख दूर करने में हर समय लगे रहते हैं, भगवान के पास तक संदेशा पहुंचाते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ा परेशान है इसके कष्टों का हरण करो, दुखों को दूर करो, दिन रात एक ही काम करते हैं और भगवान भी उनके ऊपर बड़े प्रसन्न रहते हैं, भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। विशोत भव स्थित लया दिशो हे तुमेकम गौरी पतिम विदित तत्वमनांत कीर्तिम मायाश्रयम विगतमायमचिन्तरूपम बोधस्वरूपममलम हि शिवम नमामि। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादि प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा तमो वदन्तो बहिराशितोऽस्मि। नमो वदन्त बहिराश्युतो यः, सवनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को वंदन करके जैसे सुना कि देवर्षि नारद को भी मैं कर्तापन का अभिमान हो गया, मैं कर्तापन का अभिमान देवर्षि नारद को हुआ और उन्होंने अभिमान में आकर के अपने आराध्य को ही, अपने इष्ट को ही चढ़ाई कर दिया। हा हा, बड़ा सुंदर प्रसंग आया यहां पर। तो सौनक जी आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज मैंने तो पहली बार सुना कि अपने भगवान के ऊपर ही चढ़ाई कर दे, अपने आराध्य इष्ट के ऊपर ही चढ़ाई कर दे, उसके ऊपर ही शंका कर दे, उसकी बात कोई ना माने, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, वो भी नारद जैसा योगी, ये बड़ी दिव्य कथा है, इस कथा को सुनाने की कृपा करें। आजकल के लोग बड़े जल्दी से भगवान के बारे में, कोई किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर देता है,
देर नहीं लगती। नहीं तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु ने जो वाक्य कह दिया उस वाक्य को आप तो वाक्य कह करके स्वीकार कर लेना होता था, उसके ऊपर शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ नारद जी ने ही भगवान की बात को न मान करके उनकी ही अवज्ञा कर दी, ये सुनने का मन करता है। कलयुग में ना लोग कहते हैं कोई बाबा की कोई बात आ जाए तो कहते हैं कलयुग के बाबा हैं, कलयुगी हैं बाबा, ये मात्र में कलयुगी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो अपने आप को भगत मान करके लिखा पढ़ी करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान मान करके ऊट पटांग की बातें लिखते हैं, ये सतयुग के हैं क्या? ये सतयुग त्रेता और द्वापर के हैं जो लिखा पढ़ी करते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं, ये सतयुगी हैं, और बाबाओं में कलयुग दिखता है। देवियों सज्जनों, मुझे लगता है जो देश दोष देखने का प्रयास करता है कलयुग उसी के अंदर में होता है। कलयुग का काम है दोष देखना, गुणों से बचना, और कलयुग का काम दूसरे में दोष देखना, दूसरे में दोष बुद्धि रखना। ये कलयुग महाराज की बड़ी कृपालता है। तो जिसकी बुद्धि सिर्फ दोष देखती हो, अवगुण देखती हो, मैं आप सब लोगों को कहूंगा, उसको समझाया करें, दोष मत देखो। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, संग से गुण आता है और संग से दोष आता है। कल परसों एक भक्त कह रहा था कि वो काफी दिन से लहसुन प्याज नहीं खा रहा था, और एक दिन कहीं लहसुन प्याजी वाले भगत के साथ में गया तो उसने कहा कि ये वाला खाना खा लो, इसमें कुछ नहीं है, ये खा लो, थोड़ा खा लो, कुछ खा लो, और खिला दिया लहसुन प्याज बेचारे को, और खा गया भूल से खा करके बड़ा दुखी हो गया कि मुझे लहसुन प्याज खिला दिया, मैंने नियम लिया था, मेरे को बताया किसी ने। हमने कहा चलो भूल से खा लिया, प्रायश्चित करो और सुधार जारी रखो कि नहीं खाएंगे। ये नहीं है कि खा लिया तो अब रोज दे धनादन भजन, अब लहसुन प्याज का होने दो, गलती से हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित करो। लेकिन अब लहसुनिया प्याजिया के साथ गए थे तो जय उसने खाया तो खवा दिया, फर्क तो पड़ ही जाता है। अब किसी विदाउट लहसुन प्याजिया के साथ गए होते, पुरुषोत्तम व्रती के साथ गए होते तो न खाता न खवाता, बचे रहते। तो जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, बात मानते हो कि नहीं है? है ना दम इस बात में? बोले सांचे दरबार की जय। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा जो भगवान के घर में बिना रोक टोक आया जाया करता है, उसके अंदर अभिमान हो गया, उसके अंदर में द्वैत बुद्धि आ गई, भगवान में दोष देखने लगा, ऐसा कैसे हो गया? ये कथा सुनाने के कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए भगवान श्रीमन नारायण नाम का गायन करते हुए एक बार हिमालय में गए, हिमालय में विचरण करते हुए रमण करते हुए कई दिन बीतने के बाद घूमते घूमते एक ऐसी दिव्य गुफा में जाकर के पहुंचे जिस जगह पर जाकर के मन को बड़ी शांति मिली, मन को बड़ा सुकून मिला। जब आप लोग कथा में आ जाते हो आप लोगों के मन को शांति मिलती है कि घर भागने का मन करता है, जल्दी बंद करे तो घर जाए,
हाँ आप लोग बहुत अच्छे हो, एक बार बजाओ अच्छे लोगों के लिए ताली। बोल सांची दरबार की जय। तो देवर्षि नारद जी एक ऐसे दिव्य सुंदर गुफा में प्रवेश किए, उस गुफा में जाकर के मन बड़ा शांत हो गया, मन बड़ा शांत हुआ और शांति मन से एक शिला देखा, उस शिला के ऊपर बैठ गए और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे पिनाक पानी का। संभोर गुणानुवादात को भिरजते पुमान दुजा, बिना पशुघ्नम संभो गुणानुवादात। भगवान पिनाक पाणी संभो का गुणगान करते हुए समाधि में चले गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद की समाधि लग गई, ध्यान में चले गए। लागी समाधि अखंड अपारा, लंबे समय के लिए समाधि लग गई देवर्षि नारद की। कई वर्षों के बाद जब समाधि टूटी, ध्यान मुद्रा से समाधि से जागे, समाधि अवस्था न बड़ी अच्छी होती है। जिसको समाधि लगने लग जाए, समाधि किसी की भी लग सकती है, जिसके मन की खटपटी मिट जाए उसकी समाधि लग सकती है। समाधि में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आराम से बैठे बैठे अपने अपने नकुआ को देखो, अपने क्या बोलते हैं, अपने नकुआ को ध्यान से धीरे धीरे देखते रहो और देखते 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 कुछ मत सोचो। कुछ न सोचने पर धीरे धीरे आंख बंद हो जाएगी और आप समाधि में उतरने लग जाएंगे। कुछ नहीं सोचना है, जहां बैठे हैं बस वहीं बैठ करके देखते देखते ऐसे धीरे धीरे समाधि में उतर जाना है। न कुछ पढ़ना है, न कुछ बोलना है, और कुछ आवाज आ रही है तो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना क्या कह रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे समाधि में उतर जाएंगे। यहाँ ये बात आई ना, लाग समाधि सहज अपारा, लाग समाधि अखंड अपारा, सहज मुद्रा है इसे। इसीलिए तो हम कहते हैं सुबह योग में आया करो, योग में आने से आपको सहज समाधि लगनी सीख जाओगे। जब देवर्षि नारद समाधि में चले गए, बहुत वर्ष बीत गए, तो उनके शरीर की जो तप की गर्मी थी वो बाहर गर्मी निकली और धीरे धीरे गर्मी ऊपर उठते उठते तप इंद्रलोक को जलाने लगा। इंद्रदेव घबराए, देवर्षि नारद तप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं, मेरे गद्दी पर बैठना चाहते हैं, और तत्काल गए कामदेव के पास। कामदेव से कहा, मित्र हो तुम, और देखो देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं। बोले तो अच्छी बात है, बाबा लोग तपस्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इंद्र ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, अरे वो तपस्या करके जब भगवान को प्रसन्न करेगा, भगवान प्रकट होगा, तो वो इंद्रासन मांगेगा, वो स्वर्ग का राजा बनने के लिए इंद्रासन मांगेगा, मेरी गद्दी मांगेगा, गद्दी छीनना चाहेगा। तुम कैसे मित्र हो कि मित्र के दुख को समझ नहीं पा रहे हो, मेरी गद्दी चली जाए। कामदेव ने कहा, महात्मा को गद्दी से क्या लेना देना, महात्मा के पास अपनी खुद की गद्दी बढ़िया है, उसकी गद्दी की तरफ न देखे कोई तो महात्मा किसी और की गद्दी की तरफ देखता भी नहीं, अपनी गद्दी पे मस्त रहता है महात्मा। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। देवर्षि नारद को बहुत हल्के में लिया कामदेव ने, इंद्र को ऐसा लगा, बोले तुम कैसे मित्र हो
मेरे मन का दुख नहीं समझ पा रहे हो। मित्र तो वो होता है जो मित्र के दुख के समय में काम आता है। जो मित्र के दुख में काम आता है वो मित्र मित्र होता है, और जो मित्र के दुख में काम नहीं आता वो मित्र मित्र नहीं होता, मौका परस्त मित्र होता है। वो काम पढ़ने पर काम बनाने वाला मित्र होता है, और जैसे उसकी जरूरत पड़े वो भाग जाए तो उसे मित्र मित्र नहीं कहते। तो देवराज इंद्र ने बड़ा सुंदर कहा यहाँ पर, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी। आप लोग भी ये लाइन को सुनो और इसको याद करो, और कभी जरूरत पड़ जाए तो अपने फ्रेंड को भी चिपका देना है। ये याद रखने वाला है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी। ते नहीं बिलोकत पातक भारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी, पातक भारी, ते नहीं बिलो कत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो मित्र के दुख में काम नहीं आता वो मित्र मित्र नहीं होता। उसको देखने में बड़ा दोष लगता है। देवराज इंद्र ने जब ऐसा कहा, बोले कामदेव ने कहा, अब तुम आ गए अपनी आई पर, हम बात तुम्हें समझा रहे सही, अब तुम लेने लगे मित्रता की परीक्षा। अब काम तुम्हारा बिगड़ रहा है और परीक्षा ले रहे तुम मित्र की। दुहाई दे रहे हो कि मित्र के जो काम नहीं आता वो मित्र मित्र नहीं होता, ये कोई बात हुई? लेकिन अब तुमने कह दिया है कि जो मित्र के दुख में काम नहीं आता उसको देखने से पातक लगता है, पाप लगता है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए पंच पुष्प बाण लेकर के धनुष कंधे पर चढ़ा करके कामदेव पहुँचे, जहाँ पर देवर्षि नारद तप कर रहे थे, उस तपस्या वाली जगह पर पहुँच करके अपने बाणों को चला करके बसंत ऋतु बना दिया। कामदेव के अंदर बड़ी शक्ति है, वो जो है ऋतु परिवर्तन कर देते हैं, जहाँ पर बड़ा विभत्स है उसे बड़ा सुंदर बना देते हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदर को भी सुंदर बना देने की शक्ति है कामदेव के अंदर में। सुंदर बना दिया, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया, और अपनी बहुत सारी अप्सराओं को बुलाया, रंभा, संभा, उर्वशी, मेनिका, ये सब अप्सरा आई, मेनका जैसी अप्सरा आई। मेनका का मतलब जानते हैं? है? जो मन में जाकर बस जाए वो है मेनका। हैं? जो मन में बस जाए। उर्वशी का मतलब, उर का मतलब कंठ, जो कंठ में बस जाए वो है उर्वशी, जो कंठ में बसी वो है उर्वशी, जो मन में बसे वो मेनका, और जो कंठ में बसे वो है उर्वशी, जो कंठ में बसी वो हुई उर्वशी। है बढ़िया मुहावरा।
बोले साचे दरबार। तो मेनका को उर्वशी को एक एक है, एक है रंभा। रंभा रंभा का मतलब समझते हैं, रंभा का मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ वो जिसको बोलते हैं आप लोग सब्बल, सब्बल जानते हो, सब्बल, सब्बल का मतलब जिसमें सब्बल लगा हुआ है, सब्बल, उसी सब्बल को बोलते हैं रंभा। हाँ, जो अंदर में उतर करके रम्मा जितना गहरा कर जाए वो रंभा है, जो उतरने में इतनी अंदर गहराई पा जाए उसे कहते हैं, जरा जोर से बोलो, रंभा, मेनका, उर्वशी, ये सारी अप्सराओं को लेकर के पहुंचा कामदेव, क्योंकि कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगी, कोई मन में बस जाए, कोई उर में बस जाए, कोई जो है अंदर दिल में उतर जाए, कोई तो कोई काम आ जाएगी। तो इस तरह से घृताची, रंभा, मेनका, उर्वशी ढेर सारी अप्सराओं को लेकर के पहुंच और बाण चलाया, सुंदर मधुर मृदंग बजने लगा, रंभा संभा नृत्य करने लगी। देवर्षि नारद के ऊपर बाण पर बाण चला रहे हैं कामदेव जी महाराज, कोई असर नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हुआ, सारे अस्त्र शस्त्र फीके पड़ गए, सारा बाण चला दिया, जितने प्रकार का नृत्य जानती थी देवियां सारा नृत्य दिखा बैठी। देवर्षि नारद तपस्या से टस से मस नहीं हुए, जरा सा हिले भी नहीं। अब कामदेव के मन में भय हो गया, बाबा अब समाधि से जागेगा और श्राप देगा मुझे, एक बार पहले जला दिया था भोलेनाथ ने, अब इसकी बारी है। और डर के मारे तत्काल शरणागति में गए, त्राही माम रक्षमाम रक्षमाम, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, चरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे मुझे श्राप मत देना। देवर्षि नारद आँख खोला, आँख खोल करके देखते हैं कामदेव चरणों में पड़े हैं। भाई कामदेव तुम यहाँ कैसे, मैं आपकी आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था। अच्छा मेरी तपस्या क्यों भंग करने आए थे तुम? अरे अपने मित्र हैं देवराज इंद्र, तो मैं इसलिए उनके चक्कर में आपकी तपस्या भंग करने आया था। देवर्षि नारद ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई हो करके मेरी तपस्या में विघ्न कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पैर पकड़ लिया, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, अब जो है मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, अब दोबारा गलती मत करना, जाओ यहां से। देवर्षि नारद ने भगा दिया कामदेव को और मन में बड़े प्रसन्न हुए। जिस कामदेव ने ब्रह्मा जी को अपने लपेटे में घसीट लिया, जिस कामदेव ने संसार के ऋषि मुनियों को अपने लपेटे में घसीटा हुआ है, आज मैंने उसको हरा दिया, पराजित कर दिया। शंकर जी तो गुस्से में आकर के कामदेव को जला दिए थे, लेकिन मैंने तो सहज भाव में मुस्कुराते मुस्कुराते बिना शस्त्र चलाए पराजित कर दिया, मेरी विजय हुई है। और आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारी विजय हुई है, तुम धन्य हो। सहजता में विजय होती है, सरलता में विजय होती है, होती है कि नहीं होती? सहज बनो, सरल बनो, तुम्हारी भी विजय होगी। अपने लिए बजाओ ताली कि हम सरल बनेंगे, हम सहज बनेंगे, हम उदार बनेंगे, अपने लिए बजाओ ताली। दूसरों के कहने पर दूसरों के लिए खूब ताली बजाते हैं, जय कहते हैं, कभी कभी अपने लिए भी जय कर लिया करो, कभी कभी अपने लिए भी जय कर लिया करो। दूसरों को जय करने से पहले खुद के
जय किया करो। तो अपने लिए भी ताली जब खुश हो जाओ तो बजा लो मैंने अच्छा किया। देवर्षि नारद अकेले ही बड़े खुश हो रहे हैं। आकाश वाणी हो गई, हे सहज सरल उदार चरित्र देवर्षि, आपकी सहजता सरलता मधुरता ने कामदेव को पराजित कर दिया। संसार की कोई शक्ति तुम्हें तपस्या से डिगा नहीं सकी, हिला नहीं सकी। तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा संसार में कौन हो सकता है। देवर्षि नारद चारों तरफ अपना सिर घुमाया, देख रहे कौन बोल रहा है। आकाशवाणी ने कहा, बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। उठकर खड़े हो गए, तपस्या सफल हो गई, चलो चलते हैं। अब तपस्या सफल जान करके वहां से चले। कैलाश नजदीक में था, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जैसे पहुंचे, कैलाश में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान शिव का नाम गा रहे हैं। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय बोल मन मेरे ओम नमः 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 शिवाय। कैलाश में प्रवेश किया, कैलाश में प्रवेश करते ही आवाज पड़ी देवर्षि नारद की। भगवान पिनाकपाणि शंभु ने नंदी आदि को भेजा, देवर्षि नारद आए हैं, स्वागत करते हुए ले आइए। जब संत आए ना तो संत का स्वागत करना चाहिए दरवाजे पर। संत का सम्मान होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए। हर घड़ी हर पल देखिए, यदि जिंदगी में समृद्धशाली बनना है, जिंदगी में तरक्की करना है, तो संत का सम्मान करना सीखिए, संत का आदर करना सीखिए। संसार में सब संत एक जैसे नहीं होते। एक संत आया और वो संत सीता मैया का हरण कर ले गया। भगवान राम की श्रद्धा संतों के प्रति खत्म नहीं हो गई। जो संत के वेश में आया था वो दैत्य था, वो राक्षस था, और भेष बदल करके आया। उसके कारण संतों से भगवान की दुश्मनी नहीं हुई, बल्कि भगवान की श्रद्धा संतों में और ज़्यादा हो गई। और वन के बीच गहन वन में गए, जब अगस्त ऋषि से कहा कि ये सारे हड्डियों के पहाड़ लगे हैं, कौन है, अगस्त ऋषि की आंखों से अश्रु की धारा बनी बही, रोने लगे और कहा कि महाराज निश्चर निकर मुनि सब खाए, निशाचर निकलते हैं रात को और सारे मुनियों को खा गए, उनकी हड्डियां हैं ये। भगवान आंखों से अश्रु बहाने लगे, आंसू बहाते हुए भुज उठाई प्रण की। भगवान ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की, निश्चर विहीन करूंगा, धरती पर से राक्षसों का नाम निशान मिटा दूंगा, एक राक्षस नहीं छोड़ूंगा, बचने नहीं दूंगा। जिन्होंने संतों को तंग किया, जो संतों को परेशान करते हैं, जिसने संतों को दुखी किया, संतों को कष्ट दिया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, अवश्य दंड दूंगा, उनको इस लोक से परलोक भेज दूंगा। ये संतों के प्रति श्रद्धा है। देवियों सज्जनों, यदि जीवन में तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो संतों का सम्मान करो, संतों का आदर करो। जीवन में प्रयास करो, कभी मेरे द्वारा संत का अपमान नहीं हो जाए। किसी संत की आय लगी ना, और जो कई बार गोली के गोली गोली चले ना, गोली गोली जानते हो कि नहीं, बुलेट बुलेट लग जाए ना, बुलेट तो बुलेट से बच सकता है व्यक्ति, लेकिन किसी संत की हाय लग जाए तो उससे बचना मुश्किल है। संत के सहायक तो भगवान होते हैं ना। निर्बल के बल श्री राम, निर्बल के धन श्री राम। तो संत महात्मा तो जो भी करते हैं सब भगवान के बल पे ही करते हैं, और जो संतों से लड़ाई लेता है उसकी लड़ाई भगवान से हो जाती है, राम जी से ही। राम जी कहते हैं, मद भक्ता
हम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मेरी स्वतंत्रता भक्तों से ऊपर नहीं हो सकती। जो अपराध भक्त कर करई, 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 जो अपराध कर करही, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष भक्त सो जाई, राम रोष भक्त सो जाई, राम रोष भक्त सो जाई। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है, देवियों सज्जनों, उसे राम जी के क्रोध का शिकार होना पड़ता है, बनना पड़ता है। इसलिए निर्बल को न सताइए, संतों की उपेक्षा न करिए, अवज्ञा न करें, अनादर न करें, सम्मान करें। भगवान शंकर ने कहा, देखना देवर्षि नारद के आने में कोई कमी न रह जाए। जब नंदी श्रृंगी भृंगी लेने के लिए चले गए तो मैया ने पूछा पार्वती ने, बाबा ये नारद तो बार बार आते रहते हैं, आज इतनी सावधानी क्यों? सावधानी इसलिए, आज नारद का संबंध डायरेक्ट कनेक्टिविटी ब्रह्म से हो गई है, मेन पावर से, जिसे कहते ना हॉर्स पावर, पावर हाउस से जुड़ गए हैं। तो आज का डायरेक्ट संबंध वहां से है नारद का, पूरे फ्लो में आ रहे हैं। इसलिए सावधान, कोई गलती ना हो जाए। तत्व की शक्ति आई हुई है, तप बल की शक्ति है। नारद आए, बड़ा स्वागत किया भगवान शंकर ने, उनको खड़े होकर के आसन पर बैठाया और बैठा करके कहा, देवर्षि नारद इतने दिन तुम आए नहीं, सारा कैलाश सुना सुना सा लगता था, तुम आ गए तो बड़ा अच्छा लगा। चाय पानी सब पूछ लिया और पूछने के बाद भगवान शंकर सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा न कुछ पूछना पड़े, ये चले जाएं। लेकिन देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि शिवजी महाराज हमसे पूछें, तुम कहाँ थे, क्या किया इतने दिन तक, ऐसा प्रसंग चल रहा है। तो भगवान शंकर ने कह दिया, तुम इतने दिन तक हिमालय में घूम रहे थे तो यहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब कहा, भगवान आपकी कृपा से मैं गुफा में गया और मेरी समाधि लग गई, मेरी अखंड समाधि लगी। उस समाधि में आप जानते क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? बोले मैं समाधि में जैसे गया तो आया कामदेव मेरी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन जिसके जिसके ऊपर कृपा त्रिपुरारी की हो उसकी तपस्या कौन भंग कर सकता है, आपकी कृपा से मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, जो शिव का भक्त हो, नारायण का जपने वाला हो, वो कैसे नहीं कामदेव को परास्त कर देगा, धन्य हो तुम, संसार में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। देवर्षि नारद ने देखा काम हो गया, अपनी बड़बाई अपने मुंह कर लिया, अब चलते हैं। चलने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, देखना ये बात अपने पिता ब्रह्मा को मत बताना, हमें बता दिया हम काफी हैं। देवर्षि नारद वहां से जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में ख्याल आया, इस शंकर को क्या हो गया, ये भी मेरे भाई लगते हैं, छोटे हैं और भाई लगते हैं, भाई लगने के बावजूद इनको भाई की खुशी देखी नहीं जा रही है,
कैसा जमाना आ गया, भाई को भाई की तरक्की नहीं देखी जा रही, भला बताओ, और मना कर रहे हैं ब्रह्मा को मत बताना। अब तो सीधा ही अपनी गाड़ी उठाई और ब्रह्मा जी के दरवाजे खड़ी हुई, ब्रह्मलोक में पहुंची गाड़ी। ब्रह्मा जी ने नारद को आया हुआ जान करके बड़े प्रसन्न हुए, आओ आओ पुत्र नारद, बड़े दिनों के बाद तुम्हारा आना हुआ, इतने दिन तक तुमने समय कहाँ बिता दिया, इधर क्यों नहीं आए। नारद जी ने कहा, आप जानते तो हो मैं तपस्या करने चला गया था। अच्छा हाँ, तुम तपस्या कर रहे थे, तपस्या तो तुम्हारी फलीभूत हो गई। फलीभूत? इतनी फलीभूत हुई, इतनी फलीभूत हुई, जिसका पिता ब्रह्मा हो उसके बेटे की तपस्या में कोई विघ्न आ सकता है? आपकी कृपा से तपस्या फलीभूत हुई, और ये जो कामदेव बैठा ना, ये मेरा भाई बना छोटा, इसकी शक्ल तो देखो, ये तपस्या में विघ्न पैदा कर रहा था। लेकिन पिताजी, मैं भी आपका पुत्र, मेरा नाम नारद, मैंने इसको हरा दिया, बुला के पूछ लो। ब्रह्मा जी महाराज ताली बजाते हैं, नारद धन्य हो तुम, बड़ा अच्छा किया तुमने हरा दिया। लेकिन नारद, भाई ने भाई को तो हराया, इसमें कौन सा कोई जाकर के तुम रावण को, कंस को हराए? एक भाई ने दूसरे भाई को परास्त कर दिया, वो तुम्हें हराता तो भी भाई हारता, और तुम्हें, तुमने उसको हरा दिया तो भी भाई ही हारा। इसलिए इस बात की चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, आज से फाइल को बंद कर दो, क्लोज द फाइल, फाइल बंद करो। और देखना, ये बात विष्णु को जाके बिल्कुल मत बताना, आज से बिल्कुल ये चर्चा और घर में नहीं होनी चाहिए। भाई भाई की लड़ाई की चर्चा जितने ज्यादा फैलेगी, दूर तक जाएगी, उतने लोग बीच में क्या करते हैं, मजा ले लेते हैं। भाई भाई की लड़ाई की चर्चा संदेशा जैसे जैसे दूर तक पहुंचता है तो दूर वाला मजा ले लेता है। बोल सांचे दरबार की, तो भाई भाई के झगड़े में बाहर पता चले तो लोग मजा ले लेते हैं। देवर्षि नारद ने पिता की बात थोड़ी ठीक तो लगी, लेकिन जब दरवाजे से बाहर निकले तो उनकी ठीक बात बिल्कुल नहीं लगी, और मन में सोचा, शंकर तो मेरा भाई लगता है, वो काम भी जई और मैं भी काम भी जई, तो मुझे अपने बरोबर की स्टेज पे देखना नहीं चाहता, इसलिए वो मना कर रहा था। उसका मना करना पता लगता है, लेकिन ये बाप है, बाप को बेटे की खुशी, बेटे की तरक्की देखकर खुश होना चाहिए, ये क्यों मना कर रहा है, ये कैसा बाप है। और मन में आया, कामदेव ने एक बार इसकी भी चक्री घुमा दी थी बाप की, इसीलिए सोच रहा है कि बेटा से, बेटा बाप से ना आगे चला जाए, इसलिए मना कर रहा है। हाँ, देखिए सत्ता का मद कैसा होता है, शंकर ने समझाया तो भी नहीं माना, और बाप ने भी समझाया अब तो भी नहीं मान रहा है, और बोला ये लोग मेरे विरोधी हो गए लग रहा है, और तत्काल प्रस्थान किया बैकुंठ की ओर। अब तो मैंने उधर ही जाना है जिधर इन्होंने जो है मना किया है, उधर उधर ही जाऊंगा। भगवान नारायण के घर में प्रस्थान हो रहा है, प्रार्थना करते हुए प्रस्थान हो रहा है। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भाव से तालियां बजाते हुए चरणों का ध्यान करते हुए वैकुंठ लोक में प्रवेश हुआ। भगवान नारायण ने सुना देवर्षि नारद आ रहे हैं, दौड़ करके आते हैं, अगवानी करते हैं। देवर्षि नारद को भगवान खुद वंदन करते हैं, हे देवर्षि तुम इतने दिन तक इतने नहीं आए, कितने दिन खोए। देवर्षि ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मैं ऐसी गुफा में गया, वहाँ जाकर के ऐसी समाधि लगी कि मैं समाधि में बैठ गया और जैसे मैं समाधि से जागा तो
तो मैं जा करके सीधा आपके पास में आ रहा हूँ। भगवान ने आज देवर्षि नारद को अपने बगल में आसन पर बैठाया और आसन पर बैठा करके कुशल समाचार का पूछते हैं, जलपान आदि कराते हैं। नारद ने कहा कि हीरे की गत जो हरि जानी, जो कोई जो हरि हो। हीरे की जो परख है वो जौहरी जानता है। भगवान जानते हैं कि मैं तपस्या से क्या बन गया हूं। इन्होंने देखो मुझे बगल में बैठाया, जब शंकर के पास गया तो उसने दूर बैठाया, और ब्रह्मा जी के पास गया तो सीधे मुझसे बात नहीं किया, और ये जानते हैं इन्होंने मुझे बगल में बैठाया। ये जानते हैं हीरे की परख क्या होती है। भगवान ने नारद जी को बड़ा सम्मान दिया, बड़ा आदर किया, मीठी मीठी बातें करी, और मीठी मीठी बातें करते करते देवर्षि ये गुफा में इतना समय तक तुम बैठे रहे तो वहां कुछ किया तो होगा, कोई यज्ञ जप तप साधन कीर्तन भजन सत्संग सुमिरन कुछ तो हुआ होगा। हुआ प्रभु, ध्यान लगाया और आपकी कृपा से मैंने उस परम तत्व को जान लिया। अच्छा, उस तत्व को तुमने जान लिया, कौन सा तत्व है? बोले हाँ जान लिया मैंने, मुझे पता चल गया तत्व कौन सा है, और उस तत्व को जानने के प्रभाव से मैंने तप बल से कामदेव को परास्त कर दिया। इसमें सब आपकी कृपा है नाथ, आपकी प्रभुता ही है। भगवान ने देखा इतना अभिमान भरा है इनके अंदर, और ये कह रहे कि मैंने उस तत्व को जान लिया और तत्व मूर्ति ने मना किया, ये बात कहीं कहना मत, तो उसकी बात को माना नहीं और कह रहे तत्व को पहचान लिया। तत्व शिव रूप है, जो तत्व के अधिपति है, तत्व को देवता है, भगवान शिव है, और भगवान शिव को इन्होंने उनकी बात माना नहीं तो इन्होंने जाना क्या? ये तो शिव तत्व से बिल्कुल बाहर हो गया, और जो शिव की अवज्ञा कर दे वो बैकुंठ में आने लायक नहीं रह जाता, और ये बैकुंठ में अभी तक बैठा है। नारद जी को घर में बैठा हुआ देख करके भगवान नारायण को गुस्सा आ रहा है। अंदर में बैठे बैठे जो अपनी बाप की बात ना माने, जो शिव की बात न माने, गुरु की बात न माने, शिवजी महाराज क्या है? शिवजी को क्या मानते हो आप लोग? जिसके आराध्य राम हैं, राम मानिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। रामायण लिखते समय ये सबसे पहले लिखा गया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आप शंकर को कुछ मानो ना मानो, लेकिन शंकर जी ऑटोमेटिक स्वतः जगत गुरु हैं। राम जी के भक्त हो, कृष्ण जी के भक्त हो, तुम्हारे आराध्य हो गए, लेकिन गुरु तो कौन है? शंकर जी। अरे लोग कहते भी हैं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, अपन लोग जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु सत्यानाशी। अब जो अविनाशी है, जिसका कहीं विनाश ही नहीं होना है,
सर्वत समाप्त कर देने वाला, जो शून्य में पहुंचा देने वाला, तो सत्यानाशी तो ही है। तो अविनाशी सन्यासियों के गुरु भगवान शंकर कहे गए, जगत गुरु ब्राह्मण कहा गया, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो यहाँ पर देवर्षि नारद महात्मा है, सन्यासी है, उनके गुरु कौन माने गए? शंकर माने गए कि नहीं? दोनों बात सही निकलती है ना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, और इधर जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी है। तो जगत गुरु भगवान शंकर की बात नहीं मानी, भगवान विष्णु जी नारद देव को देखकर गुस्से में आ रहे हैं, गुरु की बात नहीं मानी, पिता की बात नहीं मानी, और ऐसा अवज्ञाकारी बैकुंठ में बैठा हुआ है, इसको जल्दी निकालना चाहिए। देवर्षि नारद बोले, प्रभु अब क्या क्या है? देवर्षि नारद, आपके कारण संसार का बड़ा अकाज हो रहा है, आपके लिए मैंने बहुत सारे काम छोड़ रखे हैं संसार में, जाइए लोक कल्याणार्थ, आप पधारिए बैकुंठ से, आप जो है मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करिए। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, बैकुंठ में बड़ा सम्मान मिला, बड़ा आदर मिला, और सम्मान आदर पा करके जब वहां से चलने लगे, तब भगवान नारायण कहते हैं, दुर्गे सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनां, दुर्गेयां सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनां इमः भक्तः। भगवान शंकर की जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, एक बार नारायण की माया से तो बच भी सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु करे दुर्गे आम सांभवी माया, भगवान शंकर की माया से कोई बच नहीं सकता। भक्ति बिना अर्पितात्मानम तया सम्मोह्यते जगत, जो सारे संसार को मोहित करके संसार के कामों में लगा के रखती है, भगवान शिव की ऐसी माया है। रास्ते में जाते समय भगवान नारायण ने एक नई राजधानी का निर्माण किया, उस राजधानी का राजा शिलनिधि, उसकी एक सुंदर कन्या है, उसकी पुत्री का नाम है श्रीमती, श्रीमती का विवाह होने वाला है, और उस विवाह में स्वयंवर की तैयारी चल रही है। नारद जी ने नई राजधानी देखी, उसमें प्रवेश किया, राजा को पता लगा ऋषि आए हैं, बड़े सम्मान पूर्वक ऋषि को ले गया, और ले जाकर के उनके पैरों को धोया, आरती उतारी, जलपान आदि कराया, और पूछा, महाराज मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है, आप इसका भाग्य देख करके बताओ इसे पति कैसा मिलेगा। जैसे उसका हाथ देखा तो हाथ में लिखा था, जो यह बरई कुमार, इस कन्या के साथ में जिसका विवाह होगा वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, त्रैलोकपति हो जाएगा, इसके साथ विवाह होने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, कोई इसे पराजित नहीं कर सकेगा, हरा नहीं पाएगा, और त्रैलोक का शासन करेगा। नारद जी ने हाथ देखा और देख करके वहां से बाहर निकले, और मन में सोचने लगे, इसके साथ में मेरा ही विवाह हो जाता तो अच्छा था, मेरा ही विवाह हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है, न मैं मरूंगा न मैं बूढ़ा होऊंगा, और तीनों लोकों पर मेरा शासन होगा। लेकिन मन में एक बड़ी टेंशन हो गई, भाई लड़की बड़ी सुंदर है, और सुंदर लड़की उसे से विवाह करेगी जो सुंदर लड़का होगा, है ना, है कि नहीं? सुंदर लड़की सुंदर लड़का से विवाह करेगा, बाबा से क्यों विवाह करेगी? अब ऐसा सोचते हुए चले जा रहे हैं, विवाह तो करना है मैंने, अब
इसी से करना है। जाते जाते रास्ते में ख्याल आया, सबसे सुंदर भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु ने कहा था कि जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तत्काल आ जाऊंगा। और परसों तो शादी है और बैकुंठ बड़ा दूर है, जाने में टाइम लगेगा। भोजपुरी की एक बड़ी सुंदर लाइन है, बड़ी दूर बाटई बैकुंठ की रहिया, बड़ी दूर बाटई बैकुंठ की रहिया, तनि भजला हरि नमवा तू एक बेरिया, तनि भजला हरि नमवा तू एक बेरिया, तनि भजलो एक नमवा तू एक बेरिया, तनि भजलो एक नमवा तू एक बेरिया। बड़ी दूर है बैकुंठपुरी का भगवान का निवास, बैकुंठपुरी में जाना है तो बैकुंठपति ने कहा था जहाँ याद करोगे मैं वहीं आ जाऊंगा। भगवान ने देखा कामातुर होकर के कामांध मोहांध ये बैकुंठ की ओर आ रहा है, इसको यहाँ आने नहीं देना चाहिए। और भगवान बैकुंठ से निकले, रास्ते में जाकर नारद के मिल गए, रास्ते में मुलाकात हुई, भगवान जा रहे हैं नारद आ रहे हैं, नारद ने प्रभु 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 आपके ही पास आ रहा था मैं, क्यों जल्दी बताओ मैं कहीं और जा रहा हूं। महाराज आज मेरी बात नहीं सुनोगे तो भक्त का बड़ा अकाज हो जाएगा और फिर कभी और कुछ मैं सुना भी नहीं पाऊंगा, इतनी जरूरी है सुनाओ सुना, आप तो जानते हो मैं अकेला हूँ, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, और जवानी में तो कई सेवा करने वाले आ जाते हैं, सेवक सेविका खूब मिलती हैं जवानी में, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना तो बुढ़ापे में बड़ी बड़ी दुर्गति होती है। की करिए महाराज बीच बुढ़ापे में, की करिए महाराज बीच बुढ़ापे में, बुढ़ापा हो गया, अंदर वाला जो कोठी होती है ना जिसमें बेडरूम बना के रहते हैं अंदर वाला, अब उसमें जो है पापे की उम्र ज्यादा हो गई है, रिश्तेदार आते रहते हैं, ए पापे का बेड बाहर कर दो, बार वाले वो बरामदे में कर दो, कौन सा रूम होता है, अब अंदर वाले रूम से बाहर ले आते, बताओ बताओ, सब कर ही देते हैं क्यों नहीं बता रहे, बराम क्या बोलते हैं उसको, वेटिंग रूम क्या बोलते हैं भाई, तुम भी नहीं जानता, ओए ये भी नहीं जानता, हाँ उसको दलान में ले आके कर देते हैं, दालान में जो बूढ़े का बेड है वो दालान में कर देते हैं, अब उनको भी लगता है कि जो आता जाता होगा तो दालान में मिलेगा, तो बोले महाराज जब बुढ़ापा आता है तो आप तो जानते घर से बाहर कर देते हैं, अब फिर भी लड़का बच्चा होते हैं नाती पोता होते हैं तो थोड़ा बुढ़ापे में पानी मिलता रहता है, सेवा होती रहती है, और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को पानी कौन देगा, मेरी सेवा कौन करेगा। भगवान ने मन में सोचा ये जरा मरण के चक्र से मुक्त है, जरा का मतलब बुढ़ापा, इसको बुढ़ापा आएगा ही नहीं, लेकिन इसे बुढ़ापा का डर सता रहा है, भगवान शंकर की माया ने इसे पूर्ण रूप से घेर लिया।
पूर्ण रूप से घेर लिया, इसलिए इसको भविष्य की बड़ी चिंता सताने लगी है। देवियों सज्जनों, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आज बेटर करो, आज बहुत अच्छा करने का प्रयास करो। आज जो भी कर रहे हो उसे मन लगा के करो, अच्छे से करो। यदि आपका आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, कल आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आज अच्छा करोगे तो कल अच्छा होगा, और कल अच्छा करने का सोचोगे, आज बुरा करोगे, कल कभी आएगा नहीं जिसमें तुम अच्छा कर पाओगे। इसलिए आज को अच्छा करो। आज की अच्छाई के बारे में सोचो। भगवान ने देखा ये कल के बारे में सोच रहा है, शंकर की माया से मोहित हो गया है, और मोहित हुआ। देवर्षि नारद से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? मदद। क्या मदद करूं? त्रिलोक में आप सबसे सुंदर हो, आपसे संसार में कोई सुंदर नहीं, वो तो है। तो आप ऐसा करो, 3 दिन के लिए अपना चेहरा उधार दे दो, 3 दिन के लिए अपना चेहरा उधार दे दो। भगवान ने देखा, शंकर के विवाह में पीताम्बरी उधार तो देना पड़ा था, इसकी शादी में चेहरा ही उधार देना पड़ेगा। अजीब किस्म का व्यक्ति आया, पीताम्बरी और चीजें उधार तो बनती हैं, अब जब चेहरा लगाकर विवाह मेरा करेगा तो फिर बोध कैसे कराएगा, शादी तुझसे हुई है। तो भगवान ने अपना अर्थ लगाया, मेरे चेहरे से अगर विवाह होना है तो मेरे चेहरे से ही होगा, तू टेंशन मत ले। बोलते बोलते जब कोई भावुक होता है ना, तो भावुक होने पे कुछ ज्यादा बोल जाता है, और ज्यादा बोलते बोलते देवर्षि नारद ने कहा, जे ही विधि हो नाथ हित मोरा, 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 करहुँ सुबे विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहुं सुबेग दास में तोरा, जिसमें मेरा हित हो वो करो। भगवान ने कहा, नारद सुनो, जैसे अच्छा वैद्य अपने रोगी को कड़वी दवाई दे करके ठीक कर देता है, उसी तरह से मैं भी अपने भक्त का इलाज कुशल वैद्य की तरह करूंगा, कड़वी दवाई करके तुम्हारा सब मर्ज खत्म कर दूंगा। जाओ, तुम्हें सुंदर रूप दिया मन के अनुसार। वरदान मांगने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई बार हम लोग भगवती भगवान के सामने खड़े होते हैं, 15-20 चीजों की लिस्ट सुना देते हैं, और 15-20 की लिस्ट सुनाने के बाद में फिर और कईयों के बारे में भी मांग लेते हैं, उसका भी भला कर देना, उसका भी कर देना, उसका भी कर देना, और हम तो शरण में डरे ही हैं। अब नारद जी से जड़ा सी मिस्टेक हुई राजन। क्या मिस्टेक? जे ही विधि हो नाथ हित मोरा, हित की बात कह दी। अब हित तो अलग बात है, अब कह देते जे ही विधि हो विवाह मोरा, तो नाम लेके बताते कि जे ही विधि हो
नाथ विवाह है मोरा, तो जैसे मेरा विवाह हो वो करो, ये बताते तो बात में कुछ और दम होता, लेकिन यहाँ हित की बात कर दी, तो हित कोई विवाह ही में थोड़ी है, हित तो बाबा बने रहने में ही है। क्योंकि लोग तो विवाह करके और विवाह का मजा लेकर के फिर विवाह को छोड़ करके वन में जाकर भजन करते हैं, तो हित तो भजन में है, विवाह को छोड़ने के बाद में है, संन्यास में है, और तू सन्यासी होकर विवाह में जा रहा है, तो हित जिसमें होगा वही करूंगा। और भगवान ने कहा जाओ। भगवान शंकर ने नारद को जाता हुआ देखा, अब भगवान में भरे चले जा रहे, मानो कि विवाह करके मैं ही आऊंगा, और सुंदर बन करके पहुंचे भगवान शंकर के दो गण नारद जी के बगल में जाकर के खड़े हो गए। नारद जी पहली कुर्सी पर बैठे, जब लड़की आएगी तो पहले मेरे कोई बरेगी, ऐसा ना हो कोई और नंबर लगा ले, पहले कुर्सी पे बैठे और श्रीमती वरमाला लेकर के आई, तो पहली कुर्सी पर नारद जी, जैसे नारद जी को देखा तो बड़ा गुस्सा आया, बोहनी बड़ी खराब हो गई, बोहनी बड़ी खराब हो गई, पहले ही मिला वो भी ये बंदर, राजा राजकुमार शादी के लिए तो आए, बंदर छछुंदर भी आए, दास ही इशारा किया, वो आता ना पीछे से बिरदावली गाने वाला, ये तपोधन अनंत महाराज, अरे छोड़ो इसको, कोई तपोधन के पास नहीं खड़े होना, आगे चलो। आगे गई, वहां भी नहीं, और आगे आगे जाते जाते स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान से वरदान मांगा था कि आपका सुंदर चेहरा है, उस चेहरे से विवाह हो जाए, वो चेहरा प्रकट हुआ कन्या के सामने, और कन्या ने वरमाला पहनाया, वो चेहरा विवाह करके स्त्री के साथ में चला गया। देवर्षि नारद बेचारे बैठे रह गए, कामदेव को भी हराया, शंकर के पास, ब्रह्मा के पास, विष्णु से वरदान लेके आया, और वरदान लेकर के आने के बावजूद भी विवाह नहीं हुआ। अब सोच रहे मेरे साथ हुआ क्या है, समीक्षा कर रहे हैं, और उस समीक्षा में देवर्षि नारद को प्राप्त हुआ। भगवान शंकर के दो गणों ने कहा, पहले अपना मुंह तो देख लेते जरा, मेरे मुंह में क्या लगा है रे, एक बार देख तो सही मुंह में क्या लगा है। अरे शादी पुरुष की स्त्री से होती है और बंदर की बंदरिया से होती है, तो तू पुरुष दिखे तो तेरी शादी स्त्री से हो, अब बंदर का मुंह लगा करके आया तो बंदरिया ढूंढ, तो यहां लक्ष्मी जैसी भगवती से शादी करने के लिए आया है, शीशे में मुंह देख क्या गए, शीशे में मुंह देखा, सही में बंदर का मुंह लगा हुआ है। बड़े क्रोध में आए और आकर बोले, मेरे चेहरे को देख करके हंसे हो नो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हो हूं निशाचर जाऊं तुम कपटी पापी दो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों निशाचर हो जाओ, और ऐसे निशाचर कपटी और पापी दुष्ट निशाचर हो। दोनों गणों ने मन में सोचा, हम तो इस बाबा का भला कर रहे थे और फिर भी ये श्राप दे दिया। वो कहावत है ना, होम करते हुए हाथ जलना, तो यहां तो ये कहानी हो गई। बेचारे चले जा रहे हैं और देवर्षि नारद चेहरा देख करके भनभनाते चले जा रहे हैं, और मन में सोच रहे हैं, आज जाऊंगा तो विष्णु के साथ दो दो हाथ करूंगा, और दो दो हाथ करने के बाद में देई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जाकर के श्राप दूंगा। जब कोई दिल से हार जाता है, जब कोई दिल से हार जाता है
दिल टूट जाता है, दिल से हार जाए और दिल टूट जाए तब उसको आत्महत्या करने का मन करता है। इस भाव को मैं भी यहां समझ सकता हूं, इस भाव को मैं भी समझ सकता हूं। नारद जी का दृष्टांत पढ़ के देवियों सज्जनों, मैं एक दिन कहीं पर पढ़ रहा था, जिंदगी इम्तहान लेती है, मुहब्बत जान लेती है। जिंदगी इम्तहान लेती है, मुहब्बत जान लेती है, मुहब्बत ना करियो पहचान लियो, मुहब्बत में कहीं ना कहीं जान लेती है। फंस गए बेचारे नारद, और ये कह रहे जान पर बनाई ना, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, रामायण में लिखा हुआ है, देई हम श्राप की मरी हम जाई, देई हम श्राप की मरी हम जाई, जगत बीच मोरी उपहास कराई, जगत बीच उपहास कराई, देई हम श्राप की मरी हम जाई, श्राप दूंगा और श्राप देने के बाद राजा, श्राप देने के बाद मर जाऊंगा। नारद जी कह रहे देहों श्राप की मरियों जाई, श्राप दूंगा विष्णु को और उसके बाद आत्महत्या कर लूंगा, अब जीने से कोई फायदा नहीं, दिल टूट गया। जगत मोरी उपहास कराई, जग में मेरी बड़ी हंसी करा दी विष्णु ने। और गए रास्ते में भगवान के चले जा रहे थे, श्राप देने के लिए मुलाकात हो गई। भगवान ने कहा, रे नारद तुम किधर से आ रहे हो? देखा जिसके साथ विवाह करना था वो इसके साथ में खड़ी है। अच्छा तुमने शंकर को भी ऐसे छला, तुमने ब्रह्मा को भी छला और मुझको भी आज तुमने छल लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुमने शंकर को छला छोड़ दिया क्योंकि वो भोले हैं, वो भोले हैं, और ब्रह्मा को छला उन्हें छोड़ दिया। लेकिन तुमने आज अच्छे घर में बायन दिया है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे मैं पत्नी की वेदना में, पत्नी की विरह में भटक रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, वैसे तुम भी बन बन भटको और तुम्हारी पत्नी को खोजने में ये बंदर मुखी सहायक हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े। स्वर्ग में बैठे बैठे आनंद लेते हो, धरती पर आकर के धरती का कष्ट देखो, कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। एक विवाह करना चाहा, तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगा, है बनते घर को उजाड़ देना कोई तुमसे सीखे, वृंदा का शील हरण तुमने किया, जलंधर का घर तुमने बर्बाद किया, और मेरा घर बसने वाला था, मेरा घर बसने से पहले मेरा घर उजाड़ दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। देवर्षि ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, देवर्षि मैं तुम्हें वंदन करता हूं। दुर्गे या सांभवी माया सर्वे साम प्राणिनामित, धन्य भगवान शंकर, उनकी माया, उनकी माया ने देवर्षि को मोहित करके आज संसार के चक्कर में नचा दिया। जैसे भगवान नारायण ने कहा कि शंकर भगवान की माया धन्य है, नारद जी ने कहा कैसी माया, जैसे पूछा कैसी माया, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, और जैसे माया को खींचा, न महाराज न राजकुमारी, न कोई राजकुमारी है वहां पर, न कोई राज्य दिखाई दे रहा है,
देखा तो बस भगवान नारायण खड़े और नारद खड़े। नारद जी ने कहा, भगवान राजकुमारी कहाँ गई? भगवान ने तत्काल लक्ष्मी को प्रकट किया, ये हैं, यही रूप बदल के गई थी वहां पर। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी है ये बात जानना चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया और वो भी कठिन श्राप दे दिया, मेरे से तो बड़ा पाप हो गया, बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। मैं आपके सामने सिर पटक पटक के दम तोड़ देना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने उठाया देवर्षि, अब जो होना था वो हो चुका। चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई चंडी मंदिर में सुबह योग होवत है। फिर पछताए क्या होवत है, क्विंटलों के हिसाब से वजन बढ़ता चला जा रहा है, इसे कम करने के लिए तो हम लोग योग करा रहे हैं। आप लोग हर समय स्मार्ट दिखो, सुंदर दिखो, इसलिए तो योग करा रहे हैं। और तुम हो कि नींद खुलती नहीं, ए नींद मानती नहीं, बोल साचे दरबार की जय। देवर्षि नारद ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से कहा, बोले भगवान शंकर का तुमने अपराध किया, भगवान शंकर का कहा नहीं माना, इसलिए शंकर ही तुम्हें क्षमा करेंगे। बोले शंकर का क्या अपराध किया? शंकर गुरु रूपिणम, शंकर जी ने समझाया था ना, बात आगे जाकर मत करना, नहीं माने बात आगे बढ़ाया, शंकर की माया से मोहित हो गए और शंकर की बात न मानने का तुम्हें दोष लग गया, और शंकर की बात न मानने का कारण है कि तुम शिव तत्व को नहीं जानते। शिव पुराण सुनने वालों के लिए बड़ी बात है ये, तुम शिव तत्व को नहीं जानते, जो शिव तत्व को नहीं जानता उसकी भक्ति स्थिर नहीं होती, उसकी भक्ति चल रहती है। शिव तत्व कैसे होता है? मृत्यु लोक में जाकर के भगवान शिव की आराधना करो, उपासना करो, पूजा करो, पूजा उपासना आराधना करके शिवलिंगों का निर्माण करो, शिव जी महाराज का प्रचार करो, शिव नाम का जप करो, शिव अभिषेक करो, शिव पूजन करो, उसके बाद तुम्हें शिव तत्व की जानकारी मिलेगी। जपहु जाहु शंकर सत नामा, जपहु जाहु शंकर सत नामा, जपहुं जाहुं शंकर सतनामा। मृत्यु लोक में जाओ और जा करके भगवान शंकर के अष्टोत्तर 108 नामों का जप करते हुए शिव जी महाराज का पूजन करो, अभिषेक करो, और शिव जी महाराज का पूजन करने के लिए देवर्षि नारद आ रहे हैं वैकुंठ लोक से, धरती पर सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम की तरफ चल पड़े हैं, और 16-17 तारीख से शिवलिंग निर्माण बृहद रूप में होने जा रहा है, तो उसके पूजन में, अभिषेक में, शिवलिंग निर्माण में पूज्य देवर्षि नारद जी का भी आगमन होगा। शिवलिंग निर्माण करेंगे, शिव जी महाराज का पूजन अभिषेक करेंगे, हम और आप लोग भी करेंगे। अपने अपने रिश्तेदारों को आप लोग फोन करो, मोबाइल पे मैसेज करो, लिंक भेज दो चंडीधाम टीवी का, इसको सुनो और सुन करके चंडीधाम पधारो।
यहाँ पर आकर के शिवलिंग का निर्माण करो, अभिषेक करो, अर्चन करो, शिव जी महाराज प्रकट होंगे, प्रसन्न होंगे, दुख और दरिद्रता का नाश कर देंगे। सचिदानंद रूपाय विसूत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। मणिग्रीव नाम के जो जंगल में रहने वाला वैश्य था, उसने अगस्त ऋषि को अपने पिछले वृतांत सुनाना शुरू कर देता है। शिव महापुराण की कथा के साथ लगी हुई पुरुषोत्तम की कथा प्रारंभ हुई। अभी देवर्षि नारद उधर से चले हैं ना, आ रहे हैं ना, आने में देर लगेगी कि नहीं है? जब तक वो चल कर के आएंगे तब तक हम लोग पुरुषोत्तम की कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की और भी कथा सुनते हैं। वो तब तक शिवजी महाराज की शरण में आ ही जाएंगे। बोल शंकर भगवान की, जरा ताली बजा दो, मुस्कुरा दो। बोल सांचे दरबार की। राजा दृढ़ धनमा को कथा सुना रहे वाल्मीकि जी, और देवर्षि नारद को कथा सुना रहे स्वयं बद्री नारायण भगवान। सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज जी, और द्वारिकाधीश सुना रहे हैं कथा धर्मराज युधिष्ठिर को, और सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम पे यहाँ पर सुना रहे हैं हम आपको। और अगस्त ऋषि जी सुना रहे हैं मणिग्रीव को। मणिग्रीव से उग्रदेव ने पूछा अपने पूर्व का वृतांत सुनाओ। तो मणिग्रीव ने कहा, महाराज मैं एक बड़े सभ्य परिवार में था, मेरे माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला, हम तीन भाई थे। तीन भाइयों में मेरा विवाह हुआ, पत्नी भी बड़ी सती साध्वी मिली, घर में बड़ा सुख था, आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। लेकिन कुछ साल पहले व्यापार के सिलसिले में कुछ नए मित्रों के साथ संबंध जुड़ा, और नए मित्रों के संबंध जुड़ने से उनके जो दोष थे वो गुण दोष को मैंने भी अपना लिया। उनके गुण दोष को अपनाने के कारण मेरे अंदर के जो गुण थे वो समाप्त हो गए, और दूसरों के दोष मेरे अंदर में आ गए। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से साथ करने से दोष और गुण दोनों ही आते हैं। संसर्ग का कितना बड़ा फल होता है, मैं इसके ऊपर आज तो नहीं कल कथा में आते समय चर्चा करूंगा कि संसर्ग का साथ का कितना बड़ा दोष और गुण लगता है मनुष्य के जीवन में। बुराइयां सारी ग्रहण कर ली, और बुराई ग्रहण करने के कारण मदिरा पान करने लगा, अनाचार करने लगा, पाप में रत हो गया, धीरे धीरे परिवार में लड़ाई होने लगी, और परिवार के लोगों ने अलग करना शुरू कर दिया। अलग करने पर अनाचार में इस तरह से मैरत रहा कि गांव के लोग भी नफरत करने लगे, और गांव के लोगों ने राजा से जाकर के मेरी शिकायत करी। शिकायत करने पर मेरे पास में जो धन था, बचा हुआ धन राजा ने छीन लिया, परिवार वालों ने घर से बाहर भगा दिया, और जो भी बची खुची थोड़ी बहुत संपत्ति थी उस पे परिवार के कुटुंब के लोगों ने कब्जा जमा लिया। अब मैं इस निर्जन वन में आकर के दिन रात दुख सहता हूँ, कष्ट सहकर दुख सहकर के एन केन प्रकार जीवन यापन करता हूँ। महाराज ऐसा कुछ उपाय हो, ऐसी कुछ कृपा हो जाए कि मेरे जीवन में सुख आ जाए, फिर से वैसी स्थिति परिस्थिति हो जाए,
उग्रदेव महाराज बड़े स्वस्थ थे, दग्ध चित्त होकर के देखा तो इसके जीवन में अब सुख तो नहीं है, अगले जन्म में भी सुख नहीं है। इस जीवन का देखने के बाद अगले जन्म का भी देखा, लेकिन उग्रदेव महाराज ने अगले जन्म का भी कुछ नहीं बताया, इस जन्म का भी नहीं बताया। जो अच्छे पुरुष होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं, वो आगे की बात बता करके डरवाते नहीं हैं, आगे की बातों को जान करके उसका समाधान बताते हैं, हल बताते हैं उस विषम परिस्थिति से निकलने का मार्ग सुगम बनाते हैं। उग्रदेव महाराज ने कहा, देखो तुमने जो किया वो बड़ा गलत था, करना नहीं चाहिए था, ऐसे जघन्य पाप का प्रायश्चित जल्दी नहीं होता, साधारण रूप से नहीं होता, फिर भी तुम्हारे सेवा करने से हमने सेवा लिया, तुमने सेवा किया, उसके बदले में हम तुम्हें कुछ न कुछ देंगे तो जरूर आशीर्वाद देते हैं, आज से तुम हिंसा करना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? हिंसा करना। हिंसा में हम किसी की जान मारें, यही हिंसा नहीं होती, किसी की बात में आकर के झूठी गवाही दे ये भी हिंसा है। असत्य का भाषण करें, सत्य का गला घोटना भी हिंसा कहा जाता है, इसमें भी हिंसा है। अब जान मारना ये तो बड़ी हिंसा है, जो दूसरे को मार करके खाता है ना, इसके बारे में भी कभी विचार करना चाहिए। अपनी अंगुली कट जाती है तो कितना दर्द होता है। मैंने उस दिन कहा था ना, अपनी अंगुली से थोड़ा सा खून निकाल करके चखना, मीठा है कि तीखा है, किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, है ना? और क्या, तुम खूने पीने का काम करते रहे हैं? मारी तो सुबाहु की तरह नहीं है, उघरई अंत न होई निबाहु, काल रे नेम जिमि रावण राहु है। वो जो हनुमान जी को छलने के लिए बहुरूपिया भेष बनाया था, तो अपना अपना खून चख करके देखें कि कितना दर्द होता है। उसी तरह से उस जीव को भी दर्द होता होगा जिसका लोग मांस खाते हैं।